हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं DSR फॉर यू और मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेसन में मैं लेकर के आया हूं संस्कृत में अवकाश प्रार्थना पत्र लिखने का सही तरीका। यहाँ पर मैंने आपके सामने अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, परंतु उसको लिखने का पैटर्न भी बतलाया है। वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छे से समझिएगा किस तरीके से आपको अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना है, क्योंकि इस पैटर्न को देख करके आप पूरे 5 अंक बहुत ही अच्छे तरीके से पा जाएंगे। तो बच्चों, यदि आपको अच्छे अंक पाना है तो वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझिएगा। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसी हिसाब से आपको संस्कृत में जहां हलंत लगती है, विसर्ग लगता है, सबका ध्यान रखना है और इस हिसाब से भी आपको अब अवकाश प्रार्थना पत्र की तैयारी करनी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेसन। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और हाल बन सके तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। तो देखेंगे हम ये अवकाश प्रार्थना पत्र एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले हमको लिखना है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से। देखिए बच्चों, संस्कृत में हमेशा एक चीज याद रखनी है आपको कि हलंत, लकार, जहाँ पे भी जिसका प्रयोग हो रहा, विसर्ग, इन सबको आपको प्रॉपर ढंग से जमाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले सेवायाम। हिंदी में आप क्या लिखते थे? सेवा में। तो सेवायाम, सेवायाम का अर्थ होता है सेवा में। श्रीमंतः, श्रीमंतः प्रधान आचार्य महोदय। अब यहाँ पे आपको दो विसर्ग लगाने हैं, ठीक है? तो सेवायाम श्रीमंतः प्रधान आचार्य महोदय या महोदय, ऐसे महोदय बस लिखने के बाद आपको दो बिंदी रख देनी है यहाँ पे। फिर राजकीय, अब जो शासकीय होता है उसकी जगह पे यहाँ पे राजकीय माध्यमिक विद्यालय जबलपुरम। आप यहाँ पे किसी भी विद्यालय का नाम नोट कर सकते हैं, जो आपका विद्यालय हो उसको भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पे विसर्ग लगाना है, जबलपुरम, जबलपुरम में माँ के नीचे हलंत लगा देनी है, ठीक है? बच्चों यहाँ पे कॉमा का प्रयोग भी करना है, ये कॉमन सी चीज है, आप याद रखेंगे। फिर लिखा जाता है क्या? विषय। तो विषय है अपना, हमने क्या है, तीन दिन की छुट्टी के लिए, मतलब त्रिदिवस अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना है, तो उसको ही यहाँ पे लिख दें। ये विषय आपको प्रश्न में दिया रहता है, जो प्रश्न रहता है उसमें आपको मिल जाएगा। तो विषय है त्रिदिवसस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, यहाँ पे फिर आपको हलंत लगा देनी है। फिर आएगा महोदय, कॉमा लगा दिए। सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनयम निवेदन है, अस्ति मतलब होता है, यत अहम, यत अहम अद्य अकस्मात ज्वर पीड़िता, मैं अचानक यहाँ पे क्या, ज्वर से पीड़ित हो गया हूँ, बीमार हो गया हूँ। अस्मि अतः विद्यालयम आगंतुम ना शक्नोमि, अतः मैं विद्यालय नहीं आ सकता, आने में असमर्थ हूँ। अतः माम कृते त्रिदिवसानाम अवकाशम यच्छन्तु भवन्तः, अतः मुझे 3 दिवस की छुट्टी देने की कृपा करें या 3 दिन की छुट्टी प्रदान करें। सा धन्यवादः, यहाँ पे धन्यवाद सहित, भवताम आज्ञाकारी शिष्य दीपेंद्र सिंह राजपूत, जो कि मेरा नाम है, यहाँ मैंने वो लिख दिया भवताम आज्ञाकारी शिष्य, मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य दीपेंद्र सिंह राजपूत। और फिर यहाँ पे दिनांक डाल देनी है, दिनांक कुछ भी है, मैंने यहाँ 17 मार्च डाल दी है, 17 मार्च 2020। बच्चों ये जो आवेदन पत्र का प्रारूप है, ये बेस्ट प्रारूप है। इस प्रारूप के हिसाब से अगर आप आवेदन पत्र लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस है। आपको ये याद रखना है कहाँ पे कितना गैप दिया गया है। इस पूरे पैटर्न को यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे मैंने पूरा पैटर्न बता दिया। बच्चों एक और काम की चीज कि आवेदन पत्र को हमेशा एक पूरे पेज में लिखना है। आपको पेज नहीं बचाना है कि पेज खाली छूट गया है तो आप वहीं से आवेदन पत्र लिखना चालू कर दें, जैसे कोई पेज बच गया हो किसी प्रश्न का। तो कोशिश करें कि हमारा जो आवेदन पत्र है वो पूरे एक पेज में आए। ये था बेटा पूरा आवेदन पत्र आपके सामने, एक बार स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इसका पूरे का। ये पूरा आवेदन पत्र मैंने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया। इस पैटर्न से ही आप आवेदन पत्र लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो लेसन के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए DSR फॉर यू। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।